नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, बिलीव इन योर सेल्फ, सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5, बुक सक्सेस प्रिंसिपल रिटन बाय जैक कैनफील्ड। तो सक्सेस प्रिंसिपल 5 क्या बोलते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव कीजिए। सक्सेस प्रिंसिपल 4 था बिलीव इट इज पॉसिबल, ये संभव है। तो पहला बात है कि ये संभव है, दूसरा बात है कि यस मेरे से संभव है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुछ भी काम करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, ये भी जरूरी है कि मेरे से होगा और मैं भी कर सकता हूं। आप अगर बोलोगे कि सिर्फ मेरे से होगा और किसी से नहीं होगा, दैट मीन्स यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। एक ईगो आता है, मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, दैट इज एन ईगो। लेकिन मेरे से भी होगा और मेरे से होगा, यानी सारी दुनिया में कुछ लोग हैं वो कर चुके हैं और मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकता हूं। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा मैं भी कर सकता हूं, मेरे से होगा, जरूर होगा, तब तक कोई भी सक्सेस नहीं आएगा उस स्टेज तक। विश्वास खुद पे ऊपर, क्योंकि जब आप एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है और ये पॉसिबल है, वो भी डिसाइड कर लिया, क्लियर भी हो चुके हैं, तो जब आप उस काम को करने जाओगे ना, सामने वाला आपके सामने थाली में परोस सक्सेस पर सर्व नहीं करेगा, परोस के देगा नहीं, थाली में सजा के देगा नहीं कि ले भाई तूने डिसाइड किया सक्सेस होना है तो ये तेरा सक्सेस है, कोई भी देगा नहीं आके। उल्टा आप जब कुछ काम करने जाओगे, रास्ते में इतनी सारे हर्डल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपका जो डिसीशन है उसको ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा कि तूने जो भी डिसाइड किया है शायद पॉसिबल नहीं है, तेरे से नहीं होगा। तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आता रहेगा कि ये तेरे से नहीं होगा, ये शायद तूने एक गलत डिसीशंस लिया है, एवरी नाउ एंड देन आपको चैलेंज करेगा। उस टाइम में कैसे इस जो नेगेटिविटी है या ये जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं, उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपका बिलीफ ही आपका हेल्प करेगा। ये जो इंटरनल बिलीफ है कि मेरे से होगा, जरूर होगा, यही बिलीफ आने वाले हर्डल्स को, आने वाले ऑब्स्टेकल्स को, आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले प्रॉब्लम्स को, आने वाले डिफिकल्टीज को, आने वाले कमियों को आप पे हावी होने नहीं देगा, आपके ऊपर चढ़ने नहीं देगा, आपके दिमाग में घर बनाने नहीं देगा। थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा बहुत विचलित हो सकते हैं इधर इधर, लेकिन यही बिलीफ, आप अगर 100% बिलीव करते हो कि मेरे से होगा, तो वो जो टेम्पोररी वीकनेसेस है, टेम्पोररी फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम हो जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गंतव्य स्थल की तरफ, अपने डिसाइडेड जो टारगेट है उसके तरफ फिर बढ़ने लगोगे। क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा रास्ता एकदम क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई चैलेंजेस ना हो, कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशंस ना हो, बारिश ना हो, तूफान ना हो, साइक्लोन ना हो,
ये शायद हमारा विशफुल थिंकिंग है। कुछ भी हम करने जाएंगे, कुछ ना कुछ या सब कुछ हमारे रास्ते पे एक बाय एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। शायद एक दो आएंगे या हर चीज आएंगे। हमें बार बार अपने रास्ते से भटकाने का कोशिश करेगा कि तेरे से होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, तू अपने कैपेबिलिटी से, अपने कैपेसिटी से ज्यादा ही सोच रहा है। चादर देख के पांव फैलाना है वगैरह वगैरह। उस टाइम पे आपका अगर इंटरनल बिलीफ बोलते हैं कि यस मेरे से पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इस टाइप का डिफिकल्टीज आते ही रहेंगे, ठीक है मैं इन चैलेंजेस को फेस कर लूँगा, और फिर देखिए कोई भी डिफ़िकल्टीज बड़ी डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। हाँ, टेम्पोररीली आपका जो नर्व्स है, आपका जो माइंड है, आपका जो डिसीशन से चैलेंज करता रहेगा, लेकिन परमानेंटली आपको हटा नहीं पाएगा। अगर आपका बिलीफ ये बोलता है कि बिलीव इन योरसेल्फ कि मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, इतने लोगों ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों, यही क्यों आपको, यही जो डिसीशन है आपको आगे लेके जाएगा, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसी छोटी सी बात के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।